फ्रेंड्स, मैं सुषमा फ्रॉम सुषमा ओवंस मैजिक। आज आपके सामने मैं एक चिकन का रेसिपी लेके आ रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने एक चिकन के कुछ पीसेस लिए हैं और इसे मैंने सिंपल पानी को सीजन किया था। पानी में नमक, तेज पत्ता देकर इसे मैंने एक बॉयल आने तक बॉयल किया था। ध्यान रहे, सिर्फ एक बॉयल, मतलब एक बॉयल आने के बाद मैंने इसे पानी से निकाल लिया। मैंने इन चिकन के पीसेस से सारे हड्डियों को अलग कर लिया है। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। अब इस चिकन के पीसेस में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे और उसे ऐड करके हम इनका मिक्सी में डालकर इसका एक कीमा बना लेंगे। जो मसाले मैंने ऐड किए हैं वो ये है। मैंने एक छोटी चम्मच लाल मिर्च, एक छोटी चम्मच गरम मसाला जो मैंने घर पे ही तैयार किया था, और एक छोटी चम्मच हल्दी, और एक छोटा चम्मच मैंने मैजिकल मसाला लिया था, ये वाला जो आप मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। और मैंने कुछ 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ता जो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स उसका लिया है, नींबू का थोड़ा छोटा टुकड़ा लिया है जिसका जूस मैं चिकन के कीमे में दूंगी, और कुछ लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार, इन और 1 प्याज कटा हुआ। इन सभी को हमें इसमें डालकर इसका एक कीमा बनाना है। चिकन को मैंने मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया है। पीसने के बाद यह इस तरह से तैयार हो गया। हमारा चिकन कीमा अब रेडी है। जो कीमा था वो चिकन कीमा, उसके इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, और इस तरह से बॉल बनाकर आपको इसे करीब 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। 15 मिनट के बाद मैंने ये कोफ्ता फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी की तैयारी के लिए मैंने 2 प्याज और 2 मिर्ची को एक साथ पीस लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच, और 2 टमाटर को मैंने फ्रेशली प्यूरी बना लिया मिक्सी में डालकर। और इसके लिए हम 2 बड़े चम्मच होममेड कर्ड जो दही होता है उसे लेंगे। उसमें हम इन मसालों को, इसमें मैंने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आपका गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, और ये जो पैकेट हमने यूज़ किया था जो बचे हुए मसाले थे उसको, इन सभी को डालकर मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है। और हम इसका पेस्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैंने एक पतीले में तेल ले लिया है, और गर्म होने पर मैं इसमें जीरा डालूंगी। जीरा आपका पूरा ऑप्शनल है। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें प्याज और मिर्ची का जो पेस्ट मैंने बनाया था इसे लेकर मैं इसे थोड़ी देर भूनूंगी। आपको प्याज तब तक ही भूनना है जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक आपको भूनना है। जब प्याज इस तरह से भुन जाए तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनेंगे। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से अच्छी से सुगंध आ रही है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी को डालकर भूनेंगे। अच्छी तरह हमें भूनना है। करीब 5 मिनट के बाद हम दही वाला पेस्ट भी इसमें डालेंगे, और डालकर इन दोनों को तब तक हमें पकाना है जब तक अच्छी तरह से भुन ना जाए। हम ये पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हमें मिलाना है और पकाना है। इसे भूनते समय, इसी समय आपको इसमें स्वादानुसार नमक का भी देना है। इसमें आप नमक देके इसे तब तक भूने जब तक साइड में तेल ना छोड़ने लगे। देखिए, हमारा टमाटर और प्याज का ग्रेवी भूनकर तैयार हो गया है। साइड में इसके तेल निकल रहे हैं। अब इस स्टेज में आपको इसमें पानी डालना है, ठीक है। पानी आप अपने अंदाज से दीजिए, क्योंकि आपको कितना ग्रेवी चाहिए कितना नहीं वो आपके ऊपर है। मैं इसमें करीब 1 कप पानी दिया है, पानी दूंगी। जब इस तरह से इसमें बबल्स निकलने लगे, बॉयल होने लगे, तब हम इसमें चिकन्स के बॉल्स को ऐड करेंगे। मैंने करीब 16 पीसेस मेरे कीमे का मैंने बनाया है। आप अपने अंदाज से छोटे बड़े बॉल्स बना के इसमें डालें। फिर इसमें इसे डालकर हमें अच्छी तरह से इसे ग्रेवी में मिक्स कर लेना है। इसे सीम पर, पूरे धीमी आंच पर इसे ढक कर पकाना है। इसे पकने में करीब 15 मिनट्स लगता है। ध्यान रहे कि आपको गैस को पूरी धीमी कर लेनी है। और यहाँ मैं 1/2 कप पानी और दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ा पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी दे रही हूँ। फिर इसे मैं ढक कर करीब 15 मिनट पूरे कम आंच पे, धीमी आंच पर आपको इसे पकाना है। उसके बाद आपको कोई भी एक चिकन का बॉल को लेकर काट के देखना है कि वो पक गया है या नहीं। ये कड़ी जो है, आप इसे कड़ी भी बना सकते हो, ग्रेवी भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है।
मैं इसे करीब 15 मिनट के लिए ढककर पका रही हूँ। 15 मिनट के बाद हमारा कोफ्ता बनकर रेडी हो गया है। आप इसे कोफ्ता बोल सकते हैं, चिकन बॉल्स, कड़ी, ग्रेवी, जो भी बोल सकते हैं। 15 मिनट के बाद आप इसको गैस को बंद कर दें और हरी धनिया पत्तों के साथ गार्निश करें और सर्व करें। इसे आप राइस रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।